बीकॉम ग्रेजुएट और अकाउंटेंसी ऑनर्स जिसका है ना, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो आप एमबीए करने जा रहे हो तो क्या है ना, जो अकाउंटेंसी ऑनर्स या आपको बीकॉम ग्रेजुएट जो है उसमें जो आप सीख रहे हो, मतलब क्या है ना, फाइनेंशियल मैटर्स जैसे कि ना आपको अकाउंटेंसी, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशलिटीज, सोशल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लॉट्स ऑफ थिंग, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमबीए में बहुत काम करने वाला है। तो आगे आप जाओगे तो बहुत सारा काम, मतलब एडवांस आप पढ़ के रख रहे हो, मतलब वही चीज़ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज चीज़ पढ़ाया जाता है एमबीए में। उसके बाद और एक चीज़ है, जो साइंस ग्रेजुएट हो ना, उसको क्या है ना, उसका बहुत भूखा है, मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो है ना उसका चुन चुन के सीखना चाहता है, ए टू जेड। वो कॉमर्स ग्रेजुएट में वो चीज़ है नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, उन लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा दिलदार टाइप का होता है, मतलब पढ़ाई हो गया, चला गया, हो गया, चलो यार अब हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको कोई भी चीज़, छोटा मोटा चीज़ के लिए भी आपको सीखने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है एंड आपको बहुत सारा चीज़ डिटेल्स में सीखना पड़ता है। तो ऐसा आप सीखो, क्योंकि आपको जो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब सपोर्ट करने के लिए आपको मैथ्स है, वो मैथ्स आपको अलग मैथ्स है, ठीक है ना। एंड आपको जो साइंस ग्रेजुएट जो है उसका जो मैथ्स है वो तो ओरिजिनल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो उसको लिए कि ना खटना पड़ेगा। तो साइंस ग्रेजुएट का क्या होता है ना, बहुत सारा भूखा रहता है, लेकिन उसको जो है इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब चीज़ जो पता नहीं है, जब वो एमबीए करने जाता है उसको ए टू जेड आपको सीखना पड़ता है। लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट जो पहले से ही उसको, मतलब क्या ना, इंट्रोडक्शन टाइप का उसको सिखाया जाता है आपको ग्रेजुएशन, तो एडवांटेज उसी का है। लेकिन क्या ना, बीकॉम ऑनर्स को बहुत सारा चीज़, जैसे कि ना नॉन इंजीनियर्स हो, थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपका कैट थोड़ा सा लेस परसेंटेज में आपको, मतलब जनरल इंजीनियर मेल, जनरल इंजीनियर फीमेल से आपको लेस परसेंटेज में आपको मिलता है, इंजीनियर मेल फीमेल से भी, जनरल नहीं होने से भी। एस सी एस टी का भी रिजर्व कैटेगरी का जो इंजीनियर है, रिजर्व कैटेगरी का जो नॉन इंजीनियर है उसको थोड़ा सा कम परसेंटेज में आपको हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो कॉमर्स ग्रेजुएट जितने हो। एंड जो खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, एमबीए करो यार, एमबीए करने के लिए आपको कोई ये नहीं है, सीए करने के बाद भी आया मैं अहमदाबाद से 1 ईयर का, 1 साल का एमबीए करने जाते हैं, बिकॉज एम बी ए हैव सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी टू डू एवरी थिंग, यू कैन डू एवरी थिंग, यू कैन क्रिएट वन एंटरप्रेनरशिप सेल, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम द होम, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक ठोको, दोस्त लोगों के बारे में बताओ, पेरेंट्स को बताओ, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।